चैनल स्वीट मोमेंट्स हो। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था डॉक्टर लैन क्यूटलडल वाइफ का, कि यहाँ पर विंग का जो एप्लीकेशन या जो भी बोलो फॉर्म था वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है लैन हॉस्पिटल में, जो लैन का मेन ब्रांच था वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो कि चाइना में था। तो अब यहाँ पर वीक अपना सब कुछ पैकिंग करने लगता है, क्योंकि उसको 1 वीक बाद निकलना था, तब तक उसका जो चाइल्ड्स थे वो भी आ जाएंगे घर। तो यहाँ पर ये जो था ना वो सैटरडे का दिन था, और यहाँ पर अपना विंग अपना जो भी टाइम था वो ज़्यादा से ज़्यादातर नाइहसेंग और अपना जितना भी कॉलेज फ्रेंड्स था वो लोगों के साथ स्पेंड करता, क्योंकि उसको पता था अब अगर ये एक बार चाइना गया तो कम से कम 1 साल बाद ये आएगा, क्योंकि उसको रिवेंज लेना, वहाँ पर उसका फादर का कंपनी संभालना है जो कंपनी ये लोगों ने हथिया के रखा है, और 5 साल में ये लोगों ने बहुत सारा इलीगल वर्क भी कर लिया होगा। अब विंग ये सब सोच रहा होता है, उसी टाइम उसको एक डोरबेल का आवाज़ आता है, और वो जैसे ही डोर ओपन करता है वो सबसे पहला चीज़ क्या देखता है, वहाँ पर उसके चाइल्ड्स खड़े थे उसके ग्रैंड मदर के साथ और उसके ग्रैंड फादर के साथ, जो कि विंग के फादर थे। अब जैसे ही विंग अपने डैड को देखता है वो जाके गले मिल लेता है, बोलता है फादर आप कैसे हैं। अब जैसे मिस्टर वे ये सुनते हैं ना, वो विंग को गले लगा के बोलता है मैं ठीक हूँ, देखो मैं अभी चल भी पा रहा हूँ। अब जैसे विंग ये देखता है ना कि उसके फादर व्हील चेयर से खुद खड़े होकर चल रहे थे, क्योंकि अगर जो इंसान ज़्यादा देर कोमा में रहे ना उसका बॉडी एक होता है ना कि भूल जाए चलना, वैसा हो जाता है और स्टार्टिंग से चलना सीखना पड़ता है। यहाँ पर जो मिस्टर वे थे ना उनको भी मतलब सेम प्रॉब्लम था, बट उतना ज़्यादा नहीं था जो नॉर्मल पेशेंट्स के साथ होता है, और यहाँ पर वो जल्दी ही कुछ चलना सीख गए थे। अब यहाँ पर वो विंग के पास चल के आते हैं, उसको गले मिलते हैं, और फिर विंग अपने चाइल्ड्स को देखता है जो कि आते उसके पास डॉर के, बोलते हैं मम्मी आप कैसे हो। अब विंग बोलता है मैं ठीक हूँ, आप लोगों को पता है हम लोग चाइना जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर उसका चाइल्ड चाइना का नाम सुनते हैं वो लोग हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों चाइना कभी गए नहीं होते, वो लोगों खाली चाइना का मूवीज़ देखे और जो टूर वीडियो होता है ना वो सब देखे हुए होते हैं, और इतना ही पता था कि चाइना वो लोगों का होमलैंड है। अब जैसे यहाँ पर वो लोग चाइना का नाम सुनते हैं वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर यहाँ पर होता क्या है, विंग सब कुछ वो लोगों को भी बता देता है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। विंग के फादर जैसे ये सुनते हैं ना, मिस्टर वे बोलते हैं तुम्हारे वहाँ पर एक विला है जो तुम्हारी मदर ओन करती है, तुम वहाँ पर जाके रहो और ये लोगों को भी वहीं पर ये जाके रखो, और यहाँ से तुम्हारे साथ वेंचिंग और जंगशा ये लोगों भी जाएंगे तुम्हारे साथ। अब यहाँ पर विंग जंगशा को कॉल करके बोलता है ब्रदर आप मेरे साथ चल रहे हो ना। अब जैसे यहाँ पर जंगशा ये सुनता है ना वो बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैं चलूँगा, काहे नहीं चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ तो पक्का चलना, अगर तुम चाइना जा रहे हो तो भाई अकेले मत जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूँगा। अब यहाँ पर ही जल्दी जल्दी वो अपना जितना भी बिजनेस था वगैरह था वो सब कुछ मैनेज करता है, अपना असिस्टेंट को जितना भी वर्क और कारोबार होता है वो सब कुछ सौंपता है, और चाइना जाने के लिए अपना सब कुछ सामान वामान पैक करने लगता है। वो अपना लगेज पैक करके 1 घंटा विंग के घर के सामने खड़ा हो जाता है, और विंग का डोरबेल वापस बजता है जहाँ पर ही जंगशा को दिखाया जाता है। जैसे जंगशा एंटर करते हैं ना उसको पता नहीं था उसकी फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर यहाँ आई हुई है, वो कभी विंग के ग्रैंड मदर को देखा नहीं होता है, क्योंकि विंग के फादर बहुत रेयरली विजिट करते थे, और जब भी विजिट करते थे ना वो जंगशा को लेके जाते थे, और जो भी जंगशा को याद है विंग की भी ग्रैंड मदर जो थी ना वो बहुत प्रिटी थी, मतलब सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल थी, उनके एज के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखती थी। अब जैसे ही वो जंगशा को देखते हैं विंग के फादर, वो जाके जंगशा मतलब मिस्टर वे जैसे जंगशा को देखते हैं वो जाके जंगशा को गले मिलते हैं, और जंगशा से अच्छे से बात करते हैं जो कि जंगशा चाहता था, और मतलब जो भी टेंशन वगैरह था ना वो गायब हो जाता जंगशा के ऊपर से। एक होता है ना आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपके जितना भी टेंशंस और स्ट्रेस होता है वो सब रिलीज़ हो जाता है, नहीं पता कैसे, बट जंगशा के साथ भी सेम हो रहा था। वो लोग फिर वहाँ पर बैठ के बात बात करते हैं, कम से कम 2-3 घंटा बात करते हैं। फिर यहाँ पर विंग अपने चाइल्ड्स को उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर और फादर के साथ वो लोग उन्हीं के अपार्टमेंट में रख के जंगशा के साथ नाइट आउट करने चला जाता है, मतलब हैंगिंग आउट करने चला जाता है, और अपने कुछ कुछ फ्रेंड्स को भी कॉल कर लेता है। अब जैसे ही उनके फ्रेंड्स को पता चलता है कि बिजनेसमैन जंगशा, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस था, अपना बिजनेस को ओन करता था, कम से कम मिस्टर वी के बराबर उसका बिजनेस था, अगर वो और थोड़ा ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया या उसका बोल सकते हैं वो और थोड़ा प्रॉफिट अगर गेन कर लिया ना
सॉरी मेरा बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर करना, तो वो इतना कन्फर्म है कि वो जिन जितना जो जिन का एम्पायर है ना उतना बड़ा, बहुत उतना बड़ा उसका आराम से हो जाएगा। और मतलब लिटरली उसका कंपनी का नाम पूरा हर जगह पे था। वो कंपनी मतलब छोटा सा ही था पर वो वर्ल्ड वाइड फेमस था। वो बहुत अच्छा सा कंपनी था जहाँ पर सबको जा सके, एक होता है ड्रीम जॉब काइंड ऑफ, वो प्लेस वैसा था। वो प्लेस भी बहुत अच्छा था, लैंस का जैसा है वो भी वैसा ही सेम था, वी लैंस ये लोगों सबका सेम था। अब यहाँ पर होता क्या है ना, जंक्शन जैसे ही जाता है विंग के फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए, वो जैसे विंग के फ्रेंड्स का रिएक्शन देखता है वहाँ पर, वो और विंग इतना डेंजर हंस रहे होते हैं ना, वो लोग सबको रिएक्शन देख देख के। और यहाँ पर ही जंक्शन जिस तरीके से विंग का केयर कर रहा था ना, वहाँ पर ही सबको कन्फर्म हो जाता है कि भाई विंग जंक्शन का भाई है, क्योंकि वो लोग उनको लगता नहीं था कि विंग का ब्रदर होगा कोई। वो लोग उनको इतना पता था कि विंग की खाली एक सिस्टर है, क्योंकि उसी का वो जिक्र ज़्यादातर करता था और उसकी एक स्टेप मॉम है, स्टेप मॉम स्टेप सिस्टर, यही दोनों का वो ज़्यादातर जिक्र करता था। क्योंकि जंक्शन को वो मतलब याद करता था बट वो जंक्शन का नाम किसी के सामने माइंड नहीं करता था। अब यहाँ से हम लोग को उनका सीन शिफ्ट होता है, हम लोग उनको हमारे लैंग जी दिखाए जाते हैं जो अभी रेस्ट कर रहे होते हैं और रहा देख रहे होते हैं कि विंग कब इनकी वाइफ लैंड करेगा, कब एयरपोर्ट पे लैंड करेगी। और उन्हें उधर से अपने गार्ड का कॉल आएगा कि सर आपकी वाइफ यहाँ पर लैंड कर चुकी है, अब हम लोग उन क्या करें। और यहाँ से लैंग जी वो लोग उनको कमांड करेगा। अब यही सब लैंग जी सोच रहा होता है, कभी वो इसको कॉल करता है, कभी वो उसको कॉल करता है, क्योंकि भाई एक दिन में टाइम काटना ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उसको लग रहा है भाई टाइम इतना स्लो क्यों चल रहा है। अब फिर यहाँ से हमारा सीन वापस शिफ्ट होता है विंग के ऊपर, जिसको दिखाया जाता है जो सब कुछ पैक कर चुका होता है और उसी दिन का फ्लाइट लेके, जब वो लोग हैंगिंग आउट कर लेते हैं उसके बाद ना रात ही को वो लोग उनका फ्लाइट था। तो अब रात को यहाँ पर विंग करता क्या है, सब कुछ पैकिंग वगैरह कर लेता। तब तक ना जो विंग का जो चाइल्ड्स थे ना वो लोग उन पर सो गए थे। पहले तो विंग युआन को गोदी लेता है, फिर युआन तो भाई थोड़ा बड़ा हो गया था वो चल सकता था। और यहाँ पर ही जो मिंग थी ना वो मतलब थोड़ा मम्मी से ना बहुत ज़्यादा चिपक कर रहती थी, विंग से बहुत ज़्यादा चिपकती थी वो। तो यहाँ पर जैसे वो युआन को गोदी देखती है और वो मिंग तो भाई दो जन को कैसे एक साथ वो गोदी लेगा, तो यहाँ पर वो तमाशा करने लगती है। फिर यहाँ पर ही विंग को ही मिंग को गोदी लेना पड़ता है। यहाँ पर जिंक्शा विंग और युआन, सॉरी विंग युआन और मिंग, ये लोगों चारों जन जा रहे होते हैं चाइना के लिए, बिकॉज मिस्टर वे को पता था वो जाएंगे ना, तो ये लोगों जितना भी प्लान किया है उन सब में पानी फिर जाएगा और उसका ना जाना ही बेटर होगा। जंक्शा को उसके बदले अगर भेज देंगे तो कुछ विंग को प्रॉफिट भी मिलेगा। अब जैसे वो लोग चाइना लैंड करते हैं, वहाँ से लैंग वांग जी का गार्ड भी उसको कॉल करके बता देता है। और यहाँ पर लैंग वांग जी शक्ल देखने लायक, तो वो इतना खुशी इतना हैप्पी था ना, बट उसको जैसे ही पता चलता है भाई विंग के साथ एक आदमी आया, वो लाइक शॉक्ड, यार इसके साथ कौन आया, अब ये भाई नया बॉयफ्रेंड तो नहीं पा लिया ना मुझे, आए हुए कुछ ही दिन हुआ है यहाँ, भाई यार अब हम क्या करेंगे, मेरी वाइफ किसी और के साथ घूम रही है। अब यही सब वो सोच रहा होता है। फिर हमें दूसरा दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ही विंग को यहाँ पर ही 1 वीक लग जाता है एडजस्ट करने में। उसके बाद 1 वीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है विंग लैंड हॉस्पिटल में आके वहाँ पर वर्क करने लगता है, बट यहाँ पर अभी तक वो लैंग वैंग जी से नहीं मिला था। अब उसको ना एक दिन एक नर्स आके ना फाइल कुछ पकड़ा के जाती है, बोलती है उसी टाइम यहाँ पर इसको लैंड हेड का कॉल आ जाता है जो बोलता है अब हम भी चाइना आ गए हैं ये लेट्स पार्टी। यहाँ पर वो सबसे पहले विंग को कॉल करके यही बकता है, फिर हम बोलते हैं तुम चाइना आ गए दैट मीन यू सॉरी वेनिंग और वेंचिंग भी आ गए होंगे, सॉरी वेनिंग और वेंकिंग ये लोग दोनों भी आ गए होंगे। तो यहाँ पर वहाँ से लैंड शेजन बोलता है हाँ वो लोगों भी आ गया और तुम जल्दी आओ, हम लोग उनको पिक करने वाला जंक्शन को भेजो, किसी को भी भेजो पर आओ तुम। अब यहाँ पर वो जिद लगा रहा था। अब यहाँ से ये लोगों को लेने विंग चला जाता और वो फाइल किसी और को थमा के यहाँ पर वो लैंग वैंग जैसे मिलते मिलते रह जाता है। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है 2 वीक्स बाद का, जहाँ पर दिखाया जाता है विंग अपने खुद के लिए अपार्टमेंट देख रहा था, जहाँ पर वो और अपना चाइल्ड वो लोगों ने खाली तीनों जन रह सके और होने से जंक्शन भी रह सके, दैट मीन 2 रूम मतलब 2 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन और अटैच बाथरूम 2 गो। अब यहाँ पर ही वो सब कुछ देख लिया था, अब वो लोगों ने अपने न्यू अपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो गया था।
अब यहाँ पर ही जो विंग रहता है ना, वो ग्रोसरीज और जो नया नया सामान होता है, जो नया घर रहता है वो खाली रहता है, फर्नीचर्स वगैरह शॉपिंग करने जाता है। अब यहाँ पर ही ना जो विंग की बेटी मिंक होती है, उसको ना ड्रेसेस का बहुत 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 ज़्यादा शौक था। अब वो जाती है ड्रेस स्टोर में और वहाँ पर वो घूम रही होती है, यहाँ पर उसको लैंगवांग जी मिल जाता है, जो कि सबसे पहले सोचता है यार ये किसका बच्चा है, जो आके उससे इतना डेंजर तरीके से लिपट के, पैर लिपट के बोल रहा है पापा पापा। यहाँ पर नहीं पता मिंग क्या सोच के विंग का पैर को बहुत कस के, सॉरी लैंगवांग जी को पैर को बहुत कस के पकड़ के पापा पापा चिल्ला रही होती है। और वहाँ पर जितने भी स्टोर में सब कोई थे ना, वो लोगों ने सबको सोच रहा यार ये कैसा बाप है, अपनी बेटी को नहीं संभाल रहा, गोदी नहीं ले रहा, देखो नक्शा पूरा शक्ल चेहरा पूरा सेम मिल रहा है दोनों को और वगैरह वगैरह। क्योंकि यहाँ पर ना जो लैंगवांग जी था ना, वो लोग उनको ना मतलब सस्पेक्ट नहीं करता था, ना ही वो ये लोग उन दोनों का अभी जैसे 2-3 साल बाद बड़ा हो गया था ना, तो फेसेस कैसा दिखता है वो नहीं देखा था। और यहाँ पर जो लैंगवांग जी था ना, वो लोग उनका जो चाइल्डहुड में एक पिक्चर क्लिक करके लाया था, उसी को वो बार बार देखा करता था, वो अभी का रिसेंटली कितना बड़ा वो पिक्चर नहीं देखा करता था। और ना ही उसको वो जो हायर किया था पर्सन को, वो ना ही वो पिक्चर क्लिक करने बोलता था, भाई प्राइवेसी वो देना चाहता था विंग को। अब यहाँ पर जैसे कॉस्ट प्राइवेसी पर्पस, अब यहाँ पर जैसे मिंग वहाँ पर विंग को देखती है, वो दौड़ के जाती है मम्मा मम्मा चिल्ला के। पहले तो लैंगवांग जी शौक भी है किसको जा रही मम्मा मम्मा चिल्ला के। और अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे को पता है आधा में आपको मेरा आवाज़ अच्छा दिख रहा होगा और आधा में गंदा, क्योंकि हम इसको 2 या 3 दिन बाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, आधा आधा हम करके रखे थे। और प्लीज़ मेरा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए हम ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, ना ही हम कुछ कर पा रहे, और पता हम कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया। ओके बाय स्वीटीज़, बाय क्यूटीज़, प्लीज़ टेक केयर एंड स्वीट हार्ट्स ऑल्सो।